नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी निगम पार्षद राधिका अब्रॉल। मुझसे बहुत से लोग मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, स्पेशली ट्विटर पे पूछते हैं कि तुम इतना प्रचार प्रसार करती हो बीजेपी का, मोदी जी का, आखिर मोदी जी ने देश के लिए किया क्या है बताइए। ये तो क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब कि किया क्या है बताइए। अब काम बताने के लिए तो मेरे पास है बहुत चीजें, लेकिन एंड में जो मैं आपको बताऊंगी ना, उससे आप भी अग्री करेंगे। पहले आप लोगों को याद होगा कि जब आप अपने पेपर्स को अटेस्ट करवाने जाते थे, कोई गेजेटेड ऑफिसर टाइम देता था, कोई नहीं देता था। मोदी जी ने ऐसी सुविधा कर दी कि खुद अटेस्ट करो ना, अपने पेपर्स खुद अटेस्ट करो, क्यों जाना है किसी के पास। इसके अलावा राशन कार्ड, हर चीज को उन्होंने आधार से लिंक कर दिया। उस चक्कर में कई सारे जो मिडल मैन थे ना, जो दूसरा शब्द मैं बोल नहीं सकती आपके आगे, उन लोगों की दुकानें बंद हो गई। वही तो अनएम्प्लॉयड है इस वक्त, नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट कहां से बढ़ गई इतनी। मोदी जी ने कौन सी नौकरी से निकाल दिया किसी को। इसके अलावा रोडवेज, हाईवेज जिस स्पीड से बने, क्या वो स्पीड पहले थी। इसके अलावा कई महिलाओं को, बेटियों को जो शौचालय की सुविधा प्रोवाइड हुई, गैस सिलेंडर प्रोवाइड हुए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हुई, क्या उनका धर्म पूछ के हुई है, क्या उनकी जाति पूछ के हुई है, ये सब मोदी जी ने ही किया है। और सबसे बड़ी बात, 370 वगैरह तो अब लोगों के मुंह पर रट गया, राम मंदिर का जो निर्माण होने जा रहा है अयोध्या में, अयोध्या एक वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट स्पॉट बनने जा रहा है, ये भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो प्रधानमंत्री जी ने करी और जो कोई और नहीं कर सकता था, वो है हिंदू को हिंदू होने पर गर्व महसूस होना। जी हाँ दोस्तों, 2014 में जो बड़े बड़े नेता देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, आज उनका एमएलए बनना मुश्किल कर दिया मोदी जी ने। आज वो मंदिरों में जाना शुरू हो गए हैं। आप बता दीजिए 2014 से पहले जाते हो तो, आज तो कोई छोटा मंदिर भी उनके रास्ते में आ जाता है ना रैली के, तो वहां भी मत्था टेकने लगे हैं। तो मेरे देश को, मेरे भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाने का निर्माण कार्य मेरे प्रधानमंत्री ने शुरू कर दिया है। और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इस वीडियो को आगे जरूर बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।